हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका BR46 ब्लॉग्स में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दिव्यांशु राज। और आज देखिए, हम लोग ये टैंकी जरूर यामाहा की लगी हुई है, बट गाड़ी जो है वो आप देख सकते हैं TVS की मैक्स 100 या फिर सुजुकी समुराई ये है। और इस बाइक में क्या प्रॉब्लम था ना कि इसका स्टार्टिंग ट्रबल बहुत ज़्यादा आ रहा था इस गाड़ी में, और एवरेज की काफ़ी समस्या थी। तो मैंने कार्बोरेटर वगैरह सब क्लीन करके देख लिया, लेकिन फिर भी इसका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला। अब देखिए इसका प्रॉब्लम क्या है, आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कितना सारा कचड़ा, ये देखिए, ये अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखिए इसे क्या निकल। अब होता क्या था कि कार्बोरेटर का जो ट्यूनिंग का जो एक होता है, आपको दिखा देता हूँ, उसमें जाके ये कचड़ा जो है फंस जा रहा था। तो आप कितना भी कार्बोरेटर क्लीन क्यों ना कर लो, अगर ये कचड़ा जाके आपके कार्बोरेटर में फंस जाएगा तो एवरेज की प्रॉब्लम तो आपकी गाड़ी में 100% आने वाली है। और इसको क्लीन करते हैं अच्छे से, इसको अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे। हमको लगता है पूरा बॉक्स इसका खोलना पड़ेगा हमको, तब जाके ये क्लीन हो पाएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें देख सकते हैं अंदर बहुत सारा कचरा है। और ये क्या होता है ना कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे कार्बोरेटर खुले हुए हैं। ये RX100 का कार्बोरेटर है, RX135, और ये हमारा MAX100 का कार्बोरेटर। तो इसमें देखिए ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद, कि हमारा फोकस नहीं कर पा रहा अच्छे से, हाँ, तो ये जो नली दिख रही है ना आपको यहाँ पे, छोटा सा छेद जो दिख रहा है, तो इसमें जाके जो है ना वो फंस जाता है। तो फंस जाने से क्या होता है कि एवरेज और स्टार्टिंग का ट्रबल बहुत ज़्यादा आता है गाड़ी में। तो अब हम इसको खोलते हैं, क्लीन करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि फिट कैसे करना है।